नमस्ते और सुप्रभात आप सभी को। भैया स्वागत है आपको नए ब्लॉग में। असल में कहा है कल सानू का लेके गए डॉक्टर के पास। आज मॉर्निंग में बहुत देर हुई कि सोए को उठे माँ और बहुत देर से नींद आ रही, लेकिन भैया बा ऑफिस है नहीं, जल्दी जल्दी में सब कुछ करे पड़े। और मेरी बहन भी आ गई है, 9 बज रहे, तुमको लेट नहीं हो रहा निकल गया। से गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बच्ची हमने सवेरे सवेरे दवा खा ली खाली पेट, कहा थी हमें एकदम नशा हो। टिफिन बन गया है, चलो ठीक है फिर। बहुत हल्का हल्का धोनी निकल रही है सानू के में से, कुछ तक दिक्कत तो नहीं है कोई सानू तुमको? अरे ठीक है, एक आध दिन हो सका तो प्रॉब्लम बा, अगले दिन सोच के अंदर है तो उल्टी हुई। कहला उल्टी पति यार, कोई खाना ना खाते जो देख रहा होगा वीडियो, उल्टी कर लो, क्या करना है तुम्हारे जैसे नहीं गंदा हो रही है ना, उल्टी कर लो, एक तू बैग अपने पास रखा करो उसी में उल्टी कर लिया करो। कोई खाना ना खाते हुए देख रहा होगा बला। उल्टी कितना साला नाम ही गंदा है, इसका कुछ और नाम नहीं हो सकता क्या? तुमको कहते बोल रही है रात में 3 बजे तक फोन पे बात किए हो। अरे यार वो बिना मतलब फोन कर दी रात में, काऊ करी हम वही। हाँ तो तुमको सुबह जाना है तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। अरे यार हम बोले कि सुबह हमको जाना है, लेकिन कहीं कुछ काम की बात हो, कोई काम की बात नहीं हुई, फर्जी बातें हुई। नौकरी ना ला गई तब खूब घरे जा मस्त एकदम से, और खूब चाहे जब सुबह चाय पी लो 3 घंटा सवेरे सवेरे जब नौकरी ना आई तो एक रूटीन रहा था हमने सबके, सुबह कुछ नहीं करते थे, सुबह उठो, हाँ सुबह उठो, चाय पानी करो, पहला काम मेरा कम से कम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ना है, 1-1 घंटा तो 3 घंटा काम निकल आओ तरा। वो पढ़ाई बहुत काम आई से, बहुत ज्यादा वो पढ़ाई आज भी ऐसे है लर्निंग में। इसके बाद खाना पीना, इसके बाद ये मेरी चाय आ गई है। बच्चे करो पढ़वे घर आप दिन, हम तो पढ़ित ना आजकल, चाय पीते है निकलते हैं और देर से उठा रहे हैं तो इन्हें ऑफिस जल्दी जाए कर, तो जल्दी जल्दी में सब कुछ नहीं, ऑफिस तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन बस ये है ना कि थोड़ा मैं हर चीज जल्दी जल्दी करेगा। अनु बच्ची हमारी यहाँ, चलो बाय बाय, मिलते हैं। लखनऊ की सबसे सस्ती मार्केट भैया सज रही है, बोथ साइड बुद्ध बाजार। देखो दोस्तों मैं कहाँ बैठा हूँ, विश्वास न करे जाबा तू सर, इतना थकान लाग बना सोच ना सकता, नहीं सोचना पड़ेगा सबको इतना। 4 बजे सोए हैं, 4 बजे सोए हैं रात में, क्यों बता तू? 4 बजे सोए पागल है वो तो, नींद अच्छी नहीं है दोस्तों, बहुत बीमार था मैं इसलिए 4 बजे सो। मत बोलिए सर, तो भैया कहा कि मतलब सही बता रहा हूँ, बहुत थकान थकान का फील हो रहा है। खाना बना रही है खाना, ठीक है खाना बन रहा है, बढ़िया दाल चावल एकदम क्रिस्पी सब्जी ना, आलू की भुजिया, आलू की भुजिया। और देखो एक अच्छी बात यह है कि अब मौसम बढ़िया आ गया भैया, अब आंवला आंवला चटनी मिले खूब ना सानू, सानू बढ़िया आंवला चटनी डेली बनाती, अब डेली खावा करा, सब जने खावा करा, कहे जैसे आँख बाल स्किन एवरीथिंग। देखो सानू के लिए बहुत जरूरी, आँख भी चश्मा भी लगा है, देखो बाल भी झड़ रहा है इसका। अगर आप सब ने भैया क्यों जो उनका घर से बाहर रहा था और चाहते हैं कि वास्तव में आप सबका आंवला से चटनी मिले, तो देखा सानू एक बढ़िया तरीका बनाओ थी, नहीं जिसकी मतलब रूम पे हॉस्टल में वो नहीं है, मिक्सी नहीं है, जिक्र पास देखा जिक्र पास सब इसको घिस लो और मिर्चा और लहसुन भुने की पत्ती नमक गिलास में बेलन से कूट लो, मिला लो। 100% हमारे जो इलाहाबादी या और बाकी जगह भाई लोग हैं 100% ही करते हैं, गिलास में बढ़िया पहले टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा डालना, वैसे तो ये घिस रही हैं, ये घिस लो, टमाटर भी ऐसे घिस लो, हाँ ये घिस लोगे तो बढ़िया लगेगा। बाकी ना जो बात वही गिलास छोटी गिलास लो
और बेलन अपने पास सही है भैया, छोटा छोटा काट के हमारी पूछना मस्त एकदम चटनी बने भैया, देखो एकदम कोई जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। तो कह सकते हैं भैया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़े वैसी चीज सीखा करें हमें। सब इलाहाबाद वाले तो हमारे सब तो मतलब सब जानते हैं कि भैया दाल चावल चोखा तीनों एक साथ बनता है। अभी देखो साथ में बन रहा है, इसमें पता है क्या है, इसमें इसमें विश्वास करो, इसमें विश्वास करो क्या है, ये कुकर नहीं है, इसमें इसके अंदर एक लोटा भी है, एक लोटा है जिसमें चावल रखा गया है। तो क्या, तो ये सब भैया करते रहो खूब बढ़िया से, जितना शॉर्टकट कर सको काम उतनी जल्दी करो। हाँ क्योंकि बात ये बना कि मतलब काम जल्दी निपटाए कि पढ़े लिखे बजनते हैं तो उसे अपन फोकस करे बाकी, और बाकी चीजें क्या ही है, कोई दिखावटी नहीं, मस्त एकदम से न बच्ची। और क्या, हम खाना बना रहे हैं, पिंकल यहाँ किचन में बैठे हैं, हमसे कह रहे हैं कि अच्छा सानू अभी तुम खाना बना रही हो, हम बैठे हैं, मम्मी खाना बनाए तब बैठ जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, अभी अगर बेबी खाना बनाए हम बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे, अगर वास्तविकता है कि नहीं, नहीं। मम्मी मम्मी बनाती खाना, किचन में चला गए कुछ उनके साथ हेल्प कर दें, सानू बनाओ तो कुछ हेल्प कर दें। अगर यही बता रहा हूँ तुमको, कल को पत्नी के आने के बाद अगर मैं किचन में आ गया तब कहीं देखा देखा चूल्ही में बैठा रहे, अपने घर पे कोई नहीं दिन भाई चूल्ही में बैठा रहा थे भैया, जब से बिया बाबा तब से लगातार वही चूल्हे में। हाँ यदि नानी आई उन्होंने या नहू पीछे पीछे वही रही है, खड़ा रही है वही, जाके देखा बैठा वही है, ऐसी लोगों की थॉट है, मेंटालिटी तो है ऐसी। हाँ अपने घर पे कोई नहीं, अब कहूँ गलती से कुछ काम वाम करत मिल गया और देख ली इसको तू है ना, तो समाज तुमको जीने नहीं देगा, लेकिन समझ लो ऐसा नहीं है, अपने घर में ऐसा नहीं है। हमारे घर में जैसे देखो सबकी जिम्मेदारियां है, ये नहीं होता ये पापा है, मम्मी अगर मतलब बर्तन वर्तन धुल रही है चाय बना देंगे, बाबू ये भी देते हैं चाय, यहाँ भी देखो देखो बीमार हो जाए तुम भी कर लेते हो आराम से। ये देखो भैया निकल गया है, ये देखो हम कह रहे थे ना इसके अंदर एक लोटा है, अब देखा चावल देखा एकदम फ्रेश चावल लो है एकदम फ्रेश चावल लो भैया, देख रहे हो चावल अलग बन गई दाल अलग बन गई, अब दाल को मार दो तड़का, तड़का लगा रहा है। बस एक मिनट में काम खत्म हो गया, फाइनल दाल चावल दोनों बन गया, सब्जी अलग बन गई है, इलाहाबादी स्टाइल। सो भैया ये देखो ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार ये रही हमारा अम्मा बाबू, खैर एक बार हम सब एक इंस्टा वीडियो पे दिखा चुका है, ये अम्मा रही है दिखा, और एक बार सबसे कह रहे हैं ना कि पहचाना ये बच्चा के हुई हम हुई, हम स्वयं स्वयं शुभम तिवारी, और देखो हम और सानू हैं, ये बहुत छोटे के फोटो रही हुए हमारे सानू के ये हम हैं और सानू हैं, मम्मी पापा दिखाओ जो, और ये देखो इसमें हम और सानू हैं, ये हम पहले से दुखी लागत रहे ना, हम पहले से दुष्ट लागत रहे ना, अब मम्मी पापा हमारे देख ला बाकी जाएंगे सबका, पापा हमारे और पापा का अब देखा है ये रहे मेरे पापा, ये पापा और हम बहुत एक बदलाव ना आया है, देखा एक बदलाव जिसे ना आया वो पहले देखा ये बच्चे देखा ये सानू है आज भी आज भी वैसे बाटी हमार बच्ची है, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, इतने छोटे हैं, छोटी नहीं हो लेकिन वो मारपीट नहीं हिंसक नहीं। तो भैया देखो जय माता दी क्षमा माता, ये देखो ये सब यार हमार अब हमार मैक्सिमम बुक तो सानू भेज दी घरे, नहीं वो जो नहीं पढ़ते थे उसको भेजा, जो नहीं पढ़ते थे, अरे चुप रहा हमारे बौद्धिक वाला जो पब्लिकेशन वाली कितनी बुक घरे आई, नौकरी लगी है किताब नहीं छुए, नहीं छुए हैं अपन निजी सचिव के लिए नहीं पढ़े पूरा क्या करने की, हाँ, हाँ, हाँ? नहीं पढ़े हैं, और अब वहीं फिर पढ़ा पढ़ाई बहुत जल्दी फिर से शुरू करे वाला ये का जान ले जा, फिर से हम शुरू करने वाले हैं। और भैया ये देखो ये हमारी सब फेवरेट बुक्स में से हैं, मतलब इन्हीं सब की बदौलत जो इसको भी कभी ये सब पढ़ डाले हैं, जो नौकरी लाख बताओ इसको तो नहीं पढ़ा, इसमें इसको लॉकडाउन में ये सब घर पे पढ़ते हैं। हाँ ये सब बुक भैया हम जान ला कि घर ये सब घर पे निपटाए, मतलब जब लॉकडाउन लगी थी भारत का आधुनिक इतिहास, एक्सक्यूज दे रहे थे क्या ही पढ़े क्या ही पढ़े,
अपनी तारीफ कर रही है। जब सब लोग ये मतलब एक्सक्यूज दे रहे थे कि क्या पढ़े क्या पढ़े, तो पिंकल ने सही में ये सारी बुक्स ये सब बुक्स खत्म कर दिए थे। सब लोग सोचते थे पढ़ाई मन नहीं लग रहा है ये वो, और ये पढ़ डाले थे। नहीं ये तो सही रहा है कि मतलब कोरोना पीरियड के हम बहुत बढ़िया फायदा उठा रहे हैं, घरे गए रहे हैं तो घर पे मतलब कि बहुत बढ़िया तैयारी भर रही है। और इसमें यार मतलब क्या है ना कि जैसे कि अभी पढ़ने लिखने वाले अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, ये सब बुक्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, हम सजेस्ट करब। देखो कितना प्यारा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ, हम धीरे धीरे एक आगे बताए कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें जुड़े रहें। देखो शॉर्ट डीप है लेकिन बुक, हाँ डीप का मतलब कि स्टेट पीसीएस अगर आप देना, पीसीएस तक के एग्जाम के लिए है ये, स्टेट पीसीएस अगर देना है तो आराम से आप इससे कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही मतलब बौद्धिक पब्लिकेशन के जितनी बुक हैं सब, मतलब ये देखो अभी आप देखो पारिस्थितिकी पर्यावरण, पारिस्थितिकी पर्यावरण की मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है, पर्यावरण की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मतलब एक सबका जरूर आप सब रखा है। सब हम बताई आपका कोनो मतलब कोनो कोनो दिन स्पेशली मतलब इसी को उसमें रखते हुए एक केंद्र में रखते हुए एक वीडियो बनाई तो बताई कि इसको कैसे क्या करना है। और जैसे ये देखो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, मतलब मैं बता रहा हूँ स्टेट पीसीएस अगर देना है तो इससे बेहतर बुक है, एम लक्ष्मीकांत से बेहतर बुक मुझे लगी है, स्टेट पीसीएस तक की ही बात कर रहा हूँ, बाकी मैं सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक तो इस तरीके से है, बाकी और बहुत सारी बुक बहुत अच्छी अच्छी बुक रही जो सानू छोड़ दें घर पे, मतलब ओका जब हमरे सब वहाँ से शिफ्ट हुए लागे हैं मतलब यहाँ आने के लिए, तो सानू मैक्सिमम बुक्स क्या थी वो घर पे भिजवा दी, तो अभी वो सब घर पे ही रखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी बुक्स हैं। बाकी सानू के आपन चलते बा कितने पाकिस्तान पढ़े तो का है शायद है वो बुक हमको समझ नहीं आती, नहीं समझ में आएगी ना ये बुक, भैया कमलेश्वर की बुक है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, वन ऑफ द मतलब बेस्ट बुक है। अगर आप उपन्यास के शौकीन हैं तो एकदम समझिए कि ये जबरदस्त किताब है एकदम से। बाकी सानू देखा आप सभी को जैसे कि पता होगा सानू प्रिपेयरिंग फॉर दिस, ये प्रिपेयर कर रही हैं तो इसलिए अब देखा सबसे ज्यादा पढ़े तो इसको हम बहुत पढ़े हैं पिंकल भैया, या देखा या देखा इनके बुक देख ला मोटी थी, अरे बाप रे इसको तो जो पूरा पढ़ डाले हो, हाँ, नहीं पढ़ तो पढ़ डाले हैं, पढ़ तो डाले हो लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़ डाले हो, तो कुल मिला करके इस तरह की चीजें, ये मेरे देखो सेल्फ मेड नोट्स है, सब कौन सेल्फ नोट खुद से बनाई है, ये देखो भैया सेल्फ नोट इनके जो अपन बनाई हुई है ही। या फिर कोचिंग से भी है, हाँ नहीं कोचिंग से भी होंगी कुछ और कुछ इनकी अपनी मेहनत होगी तो जो क्वेश्चन आते ही आते हैं मिलते ही मिलते हैं ऐसे करके मतलब, हाँ मतलब महत्वपूर्ण चीजों का नोट्स वोट्स बनाते रहना चाहिए, मतलब पढ़ने उड़ने में पढ़ने उड़ने में जब मन नहीं कर रहा है तो नोट्स जब बनाते रख दोगे ऐसे तब लगता है कि नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, लेकिन जब पढ़ो तब नहीं लगता। नहीं नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ कि हमसे जुड़े हुए लोग चाहे जे ही हुए हमरे अंदर के जोन मतलब कि जितना हम जानी थे एजुकेशन के फील्ड में या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से संबंधित जो चीजें हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा हर किसी की, चाहे जो किसी भी स्तर का एग्जाम मतलब स्तर इन द सेंस कि हम वन डे एग्जाम की बात करते ही हम अभी स्टेट पीसीएस में भी स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, आईएएस की बात छोड़ दो, इसलिए मैं उन दोनों एग्जाम्स को छोड़ के बात कर रहा हूं, बाकी और एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। तो भैया इसके पहले जो है अब जोन वीडियो अपलोड के ही पे आप सबके प्यार आशीर्वाद जोन मिलत बा ओकरे लिए हम वास्तव में बहुत आभारी है। रीजन बिहाइंड ये है कि देखो मतलब आपको हम सच्चाई बताएं कि ब्लॉग बनाना या सोशल मीडिया पे ये मेरा मतलब कि एक तरीके से ये मेरी इच्छा हमेशा से रही है, मतलब और बाकी कुछ चीज़ें नहीं है लेकिन ये मुझे हमेशा से पसंद थी, जब से हम जानने लायक बहन कि इस क्षेत्र में काम किया जा सकता तो ये लिए, बाकी तो आपके भाई मतलब ईश्वर की कृपा से आपके भाई के पास नौकरी है तो सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जरूर है। और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज़ और आप काउंट कराऊंगा ना, मतलब बहुत जने वो मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आया, फेसबुक पे मैसेज आया है, कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि अम्मा ब्लॉग बनाया दिखाती है अम्मा ब्लॉग में, जैसे अभी हमको लगता है कि कुछ लोग को पता ना आया कि काबा सीन काबा, आपको बता दें कि अम्मा गाँव में है, हमार पोस्टिंग लखनऊ में बा,
तो हम और सानू यहाँ पर रहते हैं, सानू प्रिपरेशन कर रही है और मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो कुल मिलाई की ई सीन बा, अम्मा घर पे ही, अम्मा जब भी मैं घर पे जाऊँगा तो अम्मा की सारी वीडियोस भी आएंगी, अम्मा के साथ ब्लॉग भी बनाऊँगा। और अब तो धीरे धीरे से शादी सगाई वाला माहौल बा, तो वैसे भी घरे जाया पड़े तो हमें मतलब कि आवत रहे वीडियो, तो ये चीज़ें भाई बाकी मतलब मज़ा आ जाता, अगर अम्मा ब्लॉग में आई जाती तो क्या ही बात थी, तो इसलिए ऐसी चीज़ है। खैर सबको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।